हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बहुत ही शॉकिंग अपडेट आ रही है CBSE की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों को उम्मीद था कि हमारा जो क्लास टेंथ का रिजल्ट है वो 15 जुलाई तक आ जाएगा, लेकिन एक शॉकिंग अपडेट CBSE की तरफ से आया है कि 15 जुलाई को अब नहीं आएगा रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, अब CBSE ने ये अनाउंस किया है कि अब इस वीक के बाद ही आएगा रिजल्ट। तो आइए पूरी खबर को विस्तार से जानते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ, क्लास टेंथ रिजल्ट CBSE। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस सप्ताह जारी नहीं करेगा दसवीं का रिजल्ट, अधिकारियों ने की पुष्टि। CBSE के परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि इस हफ्ते रिजल्ट नहीं आएगा। हम उन स्कूलों के लिए भी आज एक सर्कुलर जारी करेंगे जिन्होंने अभी तक बोर्ड को अंक के लिए अंक जमा नहीं किया। हम नोटिस में ऐसे स्कूलों के लिए निर्देश जारी करेंगे। मतलब कुछ स्कूल हैं जो अभी तक बोर्ड को नंबर नहीं दिए, उन स्कूलों के लिए आज एक सर्कुलर अनाउंस किया जाएगा, उसके बाद ही रिजल्ट पॉसिबल है। यहाँ पे और क्या लिखा, CBSE इस सप्ताह दसवीं कक्षा का परिणाम घोषित नहीं करेगा। बोर्ड ने अपने पिछले नोटिस में कहा था कि कक्षा 10 के छात्रों का परिणाम 15 जुलाई तक जारी होने की उम्मीद है। आप देख सकते हैं 15 जुलाई, जो कि हम आपको शुरू से बता रहे थे कि 15 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन CBSE के परीक्षा नियंत्रक ने स्वयं भारद्वाज ने कहा कि बताया कि बोर्ड इस सप्ताह परीक्षा परिणाम जारी नहीं करेगा क्योंकि स्कूलों ने सभी छात्रों के अंक जमा नहीं किए हैं। वही बात है, एक सर्कुलर आज रिलीज किया जाएगा, उसके बाद जब वो स्कूल भी मार्क्स अपलोड कर देंगे CBSE को दे देंगे, तब आप लोग का रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। तो ये सबसे मतलब बोल सकते हैं आपकी हम आप लोग की बहुत ही बुरी खबर है कि टाइम पे टाइम बढ़ाया जा रहा है रिजल्ट का। खैर हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन दबाना ना भूलें।